कुछ लिखे कुछ बनाए ये भालू के बच्चे बाल बच्चों को खुश रखे ये भालू के बच्चे ये भालू के बच्चे असली जासूस। ये एक तूफानी दिन था, बेचारे अनजान छाते को पता नहीं था कि क्या होने वाला है। फिर शुरू हुआ एक खेल। ये कैसी आवाज थी? लगता है ऐसी कुछ सुना होगा या कोई था। फिर तूफान शांत हुआ, लेकिन एक अलग तरह का तूफान यहाँ मंडरा रहा था। हे बियॉन, तुमने मेरा छाता लिया? सोच के बताओ। मैंने नहीं, तो मैं क्यों लूंगा, मेरे पास है, देखो ये रहा। दा दा दा। अभी तो यहीं रखा था, यहीं पर था। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? बियॉन, मेरा छाता भी खो गया है, अभी तो यहीं था और अचानक गायब हो गया। सच में अजीब है, लगता है यहाँ कोई छाता चोर है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? वैसे नहीं तो मैं बताता हूँ इसका मतलब। जासूस बकी और बियॉन दोनों चोर का पता लगाएंगे और इस तरह दोनों काबिल जासूसों ने इस पेचीदा मामले की जांच शुरू की। उनका पहला कदम था एक खास कार बनाना, जासूसी कार, और फिर आंखों का चश्मा चढ़ाए। पूरी स्पीड से दोनों जासूस निकल पड़े अपराध को सुलझाने। ये क्या है? गवाह? संदिग्ध? फ्रैनी सुनो, कोई हमारे छाते चुरा रहा है। तुम्हारा छाता तो गायब नहीं हुआ ना? नहीं, तो मेरा तो गायब नहीं हुआ। हमसे छुप नहीं सकता है कोई, हम सब जानते हैं। अच्छा बताओ, आसमान नीला क्यों है? यहाँ सवाल मैं पूछूंगा। तुम कल रात कहाँ पर थी श्रीमती फ्रैनी? मैं घर पर सो रही थी। मुझे पता था, सच बताओ छाते कहाँ छुपाए हैं? बोलना शुरू करो। बकी, मुझे लगता है तुम गलत समझ रहे हो। फ्रैनी क्यों हमारे छाते चुराएगी? कोई सुराग ढूंढना होगा चोर को पकड़ने के लिए। सुराग? हाँ, जासूस बकी कसम खाता है कि कोई ना कोई सुराग निकाल कर रहेगा। चोर ने छाते यहाँ से उठाए और घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया। उसके पैर के निशान कहाँ हैं? चिकी मदद करो, जाओ निशान ढूंढो। चिकी जांच में माहिर है। मिल गया, बहुत अच्छे। देखो, यानी दो चोर हैं। मामला पेचीदा है। नहीं, मुझे लगता है वो चार थे। नहीं, छह थे, चोरों का गैंग था। बकी एक मिनट। और बकी रुक गया। हम अपने ही पैरों के निशान देख रहे थे और इस तरह हमारा सुराग गलत निकला और फिर वो फंस गए। पहली बात, हमें पता है हमारे छाते चोर ने चुराए। दूसरा, चोर ने कोई सुराग नहीं छोड़ा। इसका मतलब चोर ने सुरंग का इस्तेमाल किया। हमारे छाते चूहों ने चुराए हैं। अच्छा, चूहों ने चुराए हैं, तो अब हम छाते कैसे वापस लाएंगे? इस बात को ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। हम जाल बिछाएंगे और उन छाता चोर चूहों को पकड़ेंगे। हमें उन्हें फंसाना होगा। कैसे फंसाएंगे? अब तो हमारे पास छाता भी नहीं है, सब चूहे ले गए। पर मेरे पास एक है। और फिर जासूस बकी एक बचे हुए छाते अपने तेज दिमाग के सहारे उस चोर को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इस तरह इंसाफ से दूर नहीं था वो। अब इंतजार है चोर के फंसने का। तैयारी पूरी है, चोर फंसने ही वाला है। वो जमीन से निकलेगा किसी भी वक्त, कभी भी निकल सकता है। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। बाकी क्या हुआ? फंसा उसे, तुम्हारा पिंजरा काम नहीं आया। ये चूहों के लिए है, उड़ते चूहे नहीं देखे मैंने। अरे बकी, उसे पकड़ेंगे कैसे? चलो उसका पीछा करते हैं। जल्दी, अब शुरू होगा चोर सिपाही का खेल। तुम नहीं बचोगे। वो जंगल से बाहर जा रहा है, छाते को छुपा देगा। बियॉन, तुम गाड़ी चलाओ। क्यों? मुझे कुछ और करना है। और उसने अपने छातों के लिए जान की बाजी लगा दी। क्या बात है, सही निशाना था। ये तो चूहे नहीं है। सबूत के हिसाब से तो चूहे होने चाहिए थे। ओ, कितने प्यारे चूहे हैं। ठीक है, वो प्यारे हैं, लेकिन वो छाते हमारे हैं। कोई बात नहीं, वो मेरा छाता रख सकते हैं। वो मेरा छाता भी रख सकते हैं।
ठीक है, तो फिर वो मेरा छाता भी रख सकते हैं। ये जासूस जा रहा है नया केस सुलझाने। मुझे यकीन है चूहे कुछ तो चुरा रहे होंगे। एक जासूस कभी नहीं आराम करता।